हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोगों को ब्रेड रोल तो बहुत पसंद होंगे, लेकिन ब्रेड रोल खा खा कर आप अभी तक बोर हो गए होंगे। तो आज एक ऐसी नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि हम तैयार करेंगे ब्रेड और दही से। आज मैं आप सबको कुछ नया सिखाती हूँ जिसे कहते हैं दही के शोले। मखमली, सॉफ्ट, एकदम यूनिक, गर्मा गर्म दही के शोले, जिन्हें खाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। आप इनको ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं और किसी पार्टी में स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं, और शाम की चाय के साथ तो इनका मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए बनाते हैं दही के शोले। दही के शोले बनाने के लिए हमें ज़रूरत है हंकड़ की। हंकड़ बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम दही लिया है। इसको अब हम छलनी की सहायता से बनाएंगे। यहाँ मैंने स्टील की बड़ी छलनी ली है और एक बड़ा बर्तन लिया है। बड़ा बर्तन मैंने इसलिए लिया है ताकि जाली की तली बर्तन से टच ना हो। और अब मैं इसमें मसलिन क्लॉथ यानी कि मलमल का कपड़ा साफ धो करके अच्छे से लगा रही हूँ। अब हम इसमें दही को डालेंगे। इस तरह से हम सारा दही इसमें डाल देंगे। ये एकदम फ्रेश दही है। इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे चारों तरफ से कोने इसके। और दही को अच्छे से पहले निचोड़ेंगे। मैं इसको खूब कस के निचोड़ रही हूँ। देखिएगा इतनी ही देर में कितना पानी इसमें से निकल चुका है दही का। अब मैं इसको इसी तरह से कस के बांध के और फ्रिज की में रख दूंगी जिससे कि बाकी बचा हुआ पानी भी इसमें से निकल जाए। 4-5 घंटे हो चुके हैं दही को फ्रिज में रखे हुए। आइए देखते हैं दही किस पोजीशन में है हमारा। देखिएगा ये एकदम टाइट हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है ये। आइए अब इसको फिलिंग के लिए तैयार करते हैं। मैंने गहरा बॉल लिया है, इसमें हम अपनी फिलिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अपना हंकड़ डालेंगे। देखिएगा इसमें से कितना पानी निकला है। ये पानी बहुत अच्छा होता है, इसे भी आप काम में ले सकते हैं। हम इसमें अपनी सामग्री डालते हैं। ये थोड़ी सी गाजर के पीस डाल रही हूँ मैं, शिमला मिर्च, प्याज, पनीर लिया है मैंने 200 ग्राम, इसको भी हम इसमें डालेंगे। इसको मैंने बारीक क्रश कर लिया है। इन सारी सामग्री को हम अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ मैं, इसको मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। देखिएगा कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है इसका।
इसमें भी हम साल्ट डाल रहे हैं स्वाद अनुसार, लगभग आधी टीस्पून। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाली हूँ मैं इसमें, आइए इसे हम अच्छे से मिलाते हैं। दही का खट्टापन बैलेंस करने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है ये। हमारा बैटर रेडी है, अब हम इसकी ब्रेड की तैयारी करते हैं। ब्रेड के शोले बनाने के लिए हम ब्रेड के किनारे काट लेते हैं ताकि ब्रेड के शोले एकदम मखमली बने। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम किनारे नहीं काटेंगे तो बनेंगे नहीं, तब भी बन जाएंगे लेकिन इससे और भी सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिएगा तैयार हो चुके हैं ये, हम इन्हें तैयार करते हैं। इसको हम पानी की सहायता से इस तरह से हल्के हल्के से पानी लगा के इसे दबाएंगे। किनारों पर पानी लगाइए ज़्यादा, इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे। आप इसे बेल के भी बना सकते हैं लेकिन ऐसे ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये। इसी तरह से सारे ब्रेड तैयार कीजिए। ब्रेड एकदम ताजी होनी चाहिए। आइए अब हम इसमें फिलिंग जो हमने तैयार की है इसे रखते हैं। ये मैं 1 चम्मच फिलिंग इसमें लगा रही हूँ, इसे हम लंबे लंबे में लगाएंगे ताकि इसे मोड़ने में आसानी हो। ये मैंने बीच में रखा है, अब हम इसे इस तरफ से फोल्ड करेंगे। इसमें बस हाथ की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 2-3 बार में ये आराम से हो जाएगा। इस तरह से हम इसे इधर उधर से फोल्ड कर देंगे। देखिएगा ये गुजिया की शेप ले रहा है, इसको हम आराम से दबा देंगे इधर से किनारों पर से। इस
इसी तरह से हम और भी ब्रेड बनाएंगे। सब पानी लगाकर हम इसको प्रेस करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें इसको पलटकर दूसरी तरफ से इस तरफ हम इसकी फिलिंग भरेंगे। जिस तरफ पानी लगाया उसे हम पलट देंगे, दूसरी तरफ इसकी फिलिंग भरेंगे। इसको किनारे पे ही रखेंगे लंबा लंबा। फिलिंग रखकर हम इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और साइड के कोनों को कुछ इस तरह से हाथ की प्रेशर से इसे हल्के हल्के हाथ से दबा देंगे दोनों तरफ से कोने। देखिएगा तैयार हो गए हैं। मैंने यहाँ इसी तरह से इसे बनाए हैं। इन सबको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। उसके बाद सेकेंगे। कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, ये गर्म हो चुका है। इसे ऐसे करके चेक कर सकते हैं, ये गर्म हो चुका है। हम इसमें ब्रेड के छोले डाल रहे हैं। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकेंगे। देखिएगा ये सिकने लगे हैं, इनको हम पलट देते हैं। ये इतने अच्छे लगते हैं कि ऊपर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट। हम इनको निकालेंगे। इसी तरह से हम बाकी छोले भी ऐसे ही सेकेंगे। आइए हम इनको बीच में से काट कर सर्व करते हैं। देखिए मैं इनको बीच में से काट के दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं ये। देखिएगा कितनी अच्छी फीलिंग लग रही है इनकी अंदर से। यहाँ मैंने सारे काट लिए हैं, हम इन्हें सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे काट के भी सर्व कर सकते हैं, बिना काटे भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइएगा मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मिलती रहे और
इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। और फिर मिलूंगी एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।